छपाक और 83 के बाद दीपिका ने साइन की इस प्रोड्यूसर की रोमांटिक फिल्म, जल्द शुरू होगी शूटिंग। दीपिका पादुकोण अक्सर किसी न किसी चीज को लेकर सुर्खियों में रहती है। जल्द ही दीपिका रणवीर सिंह के साथ फिल्म 83 में नजर आने वाली है। वहीं इस फिल्म में दीपिका रणवीर सिंह की पत्नी का किरदार निभाती हुई नजर आने वाली है। फिल्म 83 में रणवीर सिंह कपिल देव की भूमिका में नजर आने वाले हैं। दीपिका पादुकोण ने हाल ही में फिल्म 83 और छपाक की शूटिंग खत्म की थी। वहीं इसी बीच दीपिका की अगली फिल्म को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। दीपिका पादुकोण ने हाल ही में एक बड़ी फिल्म साइन कर ली है। दीपिका पादुकोण इन दिनों बहुत सोच समझकर फिल्में साइन कर रही हैं। भले ही दर्शक उन्हें ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन पर देखने की ख्वाहिश रखते हो, लेकिन वो संभलकर अपने कदम आगे बढ़ा रही हैं। दीपिका पादुकोण ने हाल में ही अपनी दो अपकमिंग फिल्मों छपाक और 83 की शूटिंग पूरी की है। फिल्म छपाक में दीपिका पादुकोण अभिनेता विक्रांत मैसी के साथ लीड रोल में दिखाई देने वाली है। वहीं दीपिका की ये दोनों ही फिल्में अगले साल रिलीज होगी। इन दोनों फिल्मों को पूरा करते ही दीपिका पादुकोण ने अपनी अगली फिल्म के लिए करण जौहर के साथ हाथ मिलाया है। मीडिया में सामने आ रही ताज़ा रिपोर्ट्स की माने तो दीपिका पादुकोण ने अपनी अगली फिल्म के लिए करण जौहर का बैनर चुना है, जो जल्द ही एक डार्क लव स्टोरी प्रोड्यूस करेगा। इस फिल्म को करण जौहर के बैनर के डायरेक्टर शकुन बत्रा डायरेक्ट करेंगे। रिपोर्ट के अनुसार दीपिका पादुकोण हाल में मामी फिल्म फेस्टिवल पहुंची थी। इस फिल्म फेस्टिवल में दीपिका ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि उनकी अगली फिल्म एक मेसी डार्क लव स्टोरी होगी, जो अगले साल की शुरुआत में फ्लोर पर आएगी। वहीं इस दौरान दीपिका ने ये भी कहा कि मुझे ऐसी स्क्रिप्ट मिल गई है जिसे मैं शुरू करना चाहती हूँ। इस फिल्म की शूटिंग अगले साल तक शुरू होगी। यह एक सामान्य लव स्टोरी नहीं है, बल्कि भारी इमोशन से भरी कहानी है। कुछ दिनों पहले ही दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर स्टारर लव रंजन की रोम कॉम बंद हुई है। फिल्म के बंद होते ही ऐसी खबरें सामने आई थीं कि लव रंजन दोनों कलाकारों के साथ एक नई फिल्म प्लान कर रहे हैं। हालांकि उसका आधिकारिक ऐलान अभी तक नहीं हो पाया है। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि लव रंजन अपनी नई फिल्म का ऐलान कब तक करते हैं। वहीं अब दीपिका पादुकोण करण जौहर की डार्क लव स्टोरी में जल्द ही नजर आएगी।